नमस्कार, मैं जितेंद्र आप सभी का मैथ्स माउंटेन पे स्वागत करता हूँ। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। देखिए, आज जो कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं उससे हमारा किस तरह का क्वेश्चन कवर होगा, जैसे मार्क प्राइस, जो मार्केट प्राइस वाली क्वेश्चन होता है, अंकित मूल्य वाला क्वेश्चन होता है, डिस्काउंट, जो बट्टा या छूट के रूप में इस तरह से जो क्वेश्चन में टर्म होता है, इस तरह का क्वेश्चन हम इस कॉन्सेप्ट से कवर करेंगे। इस तरह के कॉन्सेप्ट में बहुत वैरायटी का क्वेश्चन बनता है और ये कॉन्सेप्ट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो इजी लेवल का भी क्वेश्चन पूछा जाता है और हार्ड लेवल का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाते हैं तो जो आसान क्वेश्चन है वो आसान तो रहेगा ही, जो मुश्किल क्वेश्चन है वो भी आसान हो जाएगा, बशर्ते कि आपको कॉन्सेप्ट, जो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा वो चीज़ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करते हुए करते चले जाना है, एक एक पॉइंट को क्लियर करना है। मैं आराम आराम से इस कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग को अच्छे से समझना भी है सीरियस होकर, तभी जाके आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे बड़े बड़े क्वेश्चन, वो एक दो स्टेप में तभी ये चीज़ आपको बनेगा जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अभी मैं कर क्या रहा हूँ कि मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ और उस एग्जाम्पल के थ्रू मैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ, तो इस चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये कॉन्सेप्ट मैंने जो पिछला क्लास किया था, पिछला क्लास जो हुआ था, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमने कुछ पार्ट बेसिक चीज़ें सीखा था, लेकिन वहाँ पे ऊपर ही सीखा था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी चीज़ों को डिटेल में हम पढ़ रहे हैं, तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ आपको, आपको अच्छे से समझना है। जो हमने पिछला क्लास में जो एग्जाम्पल दिया था उसी तरह का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ और उसी से मैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई एक मार्कर बनाने वाली कंपनी है जो मार्कर बनाती है, अब एक मार्कर बनाने में उसे कुछ खर्च पड़ता होगा, तो जितना भी उसका खर्च होता है, जितना भी एक्सपेंडिचर होता है एक मार्कर बनाने में, उसी को हम बोलते हैं कि उस मार्कर का वो कॉस्ट प्राइस हो गया, कि इतने कॉस्ट में वो मार्कर बन के तैयार हुआ है। अब क्या करेगी कंपनी, जब मार्कर तैयार हो गया तो इस मार्कर को मार्केट में ले जाएगी और बेचेगी, तो बेचेगी तो अब ऐसे ही तो नहीं बेच देगी कि भाई जितना कॉस्ट प्राइस है उतना ही में जाकर सेल कर देगी, ऐसा तो नहीं होगा। इसके लिए कंपनी क्या करती है, दो तीन प्रोसेस करती है, उस चीज़ों को एक बार समझिए अच्छे से। मार्कर को मार्केट में बेचने से पहले कंपनी क्या करेगी, इस पर एक प्राइस चिपकाएगी जिसको हम बोलते हैं MRP, एक MRP वैल्यू लिख कर इसके डब्बे पर, तब मार्केट में जाकर इसको सेल करेगी कंपनी। तो जो भी एक MRP यानी जो जितना कॉस्ट प्राइस था इस मार्कर को बनाने में, उससे अधिक बढ़ाकर एक MRP वैल्यू इस मार्कर पे लगाया जाएगा, उसी को हम बोलते हैं मार्केट प्राइस, या फिर हमारा मार्क प्राइस, या फिर लेबल प्राइस भी बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। यानी ये बोल दिया कि कंपनी इस पे मार्क प्राइस चिपका दिया कि भाई इतने तक ये सेल करेगा मार्केट में। अब क्या होगा, जब कोई कस्टमर आएगा खरीदने के लिए तो जो भी उस पर मार्क प्राइस लिखा होता है उससे वो चाहेगा क्या कि कम में खरीद ले, तो कंपनी क्या करेगी, जो भी उस पर MRP लिखा हुआ है उससे कुछ कम में उस कस्टमर को दे देती है, और जितना भी कंपनी उस कस्टमर को ये मार्कर बेचेगी वही उसका क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस कहलाएगा। तो देखिए, यहाँ पे हमने तीन टर्म का डिस्कशन किया, एक कॉस्ट प्राइस की कितना इस मार्कर को बनाने में खर्चा आया था, दूसरा मार्क प्राइस MRP जिसे बोलते हैं कि कॉस्ट प्राइस से बढ़ाकर एक वैल्यू इस मार्कर इसके डब्बा पे लिखा जाता है कि भाई इतना में ये मार्कर सेल होगा, और जब कस्टमर खरीदने आया तो क्या किया, जो भी MRP लिखा था उससे कम करके कुछ पैसे कस्टमर को दे दिया, तो वो बन गया आपका सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे समझिए, हमने तो MRP समझ गया, जो मार्क प्राइस होता है उस चीज़ों को समझ लिए, अब मार्क प्राइस जो भी था उससे जितना भी कम में दिया कंपनी ने उसे बेचा वही क्या कहलाता है, उसको डिस्काउंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि MRP 100 रुपीज़ था और 5 रुपीज़ कम करके 95 रुपीज़ में कंपनी ने उसे सेल कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 रुपीज़ है वो डिस्काउंट दे दिया, छूट दे दिया कंपनी ने, उसी को बट्टा बोलते हैं कि 5 रुपये का बट्टा मिल गया कस्टमर को। ये चीज़ें क्लियर है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इस चीज़ों को मैं लिख कर एक बार समझा रहा हूँ ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस बनाया जाता है, कि कॉस्ट प्राइस कितना लगा इस मार्कर को बनाने में, खर्च कितना है, उसी को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। इसके बाद जो प्रोसेस होता है आगे वो होता है मार्क प्राइस, जिसे MRP बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस से कुछ वैल्यू बढ़ाकर MRP लिखा जाता है।
इसके बाद जब बेचने का बारी आएगा तो इसमें कुछ छूट देकर कंपनी बेच लेगी, जिसे हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, यानी जितने में कंपनी बेचेगी इस मार्कर को उसी को हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर क्लियर कर रहा हूँ चीज़ों को, समझिएगा, कुछ वैल्यू लेकर। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि जो कॉस्ट प्राइस है इस मार्कर को बनाने में वो 100 रुपीज़ का है, कि 100 रुपीज़ खर्च आया इस मार्कर को बनाने में। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि कंपनी क्या कर रही है कि इससे कुछ बढ़ाकर एमआरपी बना रही है, जो मार्क प्राइस बनाना है 100 रुपीज़ से ज़्यादा करके बनाएगी कंपनी। तो मैं ऐसा बोल देता हूँ कि 20% इंक्रीज करके जो भी कॉस्ट प्राइस था उससे 20% बढ़ाकर एमआरपी बनाया गया, तो इसका 20% कितना, 20 रुपीज़, यानी जो भी कॉस्ट प्राइस से उससे ये 20 रुपीज़ अधिक होगा, तो कितना बन जाएगा एमआरपी, 120 रुपीज़, ऐसा ही बनेगा। अब जब इसको सेल करने का बारी आया तो कंपनी क्या करेगी, इस चीज़ों पे जितना भी ये प्राइस है उस पर कुछ छूट देकर बेचेगी कंपनी से। तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं जो कंपनी डिस्काउंट दे रही है, छूट दे रही है, वो 10% का दे रही है। तो 120 का 10% डिस्काउंट करके बेचेगी, तो 120 का 10% कितना, तो आप कहोगे 12, यानी 12 रुपीज़ का डिस्काउंट देगी कंपनी और तब इसे सेल कर देगी। तो 120 इसका मार्क प्राइस था, उसमें 12 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला, तो कितना वैल्यू बन जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, 108, 12 रुपीज़ इसमें से हमने घटा दिया। तो देखिए यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ, कॉस्ट प्राइस था 100 रुपीज़, जो मार्क प्राइस बनाई कंपनी वो 20% इंक्रीज करके मार्क प्राइस बनाई, और जब बेचने का बारी आया तो क्या की कंपनी 10% का डिस्काउंट दे दिया और तब उसे मार्केट में सेल कर दिया, यही था। अब मैं बोलूं कि आप ये बताइए कि यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप कहेंगे कॉस्ट प्राइस था 100, सेलिंग प्राइस बन गया 108, यानी प्रॉफिट कितने रुपया का हुआ, तो आप कहेंगे 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। मैं बोलूं परसेंटेज में प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप कहेंगे 8 का प्रॉफिट हुआ, किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, यानी 100 पे, यानी 8 जो प्रॉफिट हुआ उस 100 का कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे 8%, यानी 8% का क्या हो गया यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट हो गया। अब एक यही एक बेसिक चीज़ है, इस चीज़ों को अच्छे से समझना था आपको कि भाई कैसे क्या कॉस्ट प्राइस होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, फिर हम प्रॉफिट यहाँ से कैसे निकालते हैं, बस यही टर्म है। अब इसी चीज़ों को क्वेश्चन आपसे घुमा घुमा कर अलग अलग चीज़ें बनाकर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। आप समझिए यहाँ पर क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा जाएगा, यहाँ पर इस चीज़ों को एक बार समझना है। देखिए क्वेश्चन क्या बोलेगा आपसे, कभी कभी ये चीज़ें आपको दे देगा, ये चीज़ें आपको दे देगा और ये चीज़ें आपसे पूछ लेगा। बोलेगा क्वेश्चन ऐसे कि भाई किसी आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है उसे 20% बढ़ाकर मार्क प्राइस बनाया गया और 10% के डिस्काउंट देकर उस आर्टिकल्स को सेल कर दिया गया, तो आप बताइए प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ या फिर लॉस कितने परसेंट का हुआ, ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन। या फिर एक दूसरा कंडीशन ये भी होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे ये कॉस्ट प्राइस बनता है, ये मार्क प्राइस और ये बनता है सेलिंग प्राइस, तो कंपनी क्या करेगी ये चीज़ें आपसे पूछ लेगी। यहाँ पे जो वैल्यू था ये 20% जो कॉस्ट प्राइस से बढ़ाकर मार्क प्राइस बनाया गया था 20%, ये 20% आपसे पूछ लेगी और ये वैल्यू दे देगी आपको, ये दे देगा क्वेश्चन, और जो प्रॉफिट हो रहा है 8% का ये भी चीज़ें आपको दे देगा। क्वेश्चन ऐसा रहेगा आपका कि भाई 10% डिस्काउंट देने के बाद, यहाँ पे 10% डिस्काउंट देने के बाद जो 8% का प्रॉफिट होता है, समझिए 10% डिस्काउंट देने के बाद 8% का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो बताना है आपको कि आप ये बताइए कि कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर मार्क प्राइस बनाया गया था, कितना परसेंट कॉस्ट प्राइस से अधिक बढ़ाकर मार्क प्राइस बनाया गया था। यहाँ पे समझिए एक बात को, जब क्वेश्चन में ये चीज़ें देगा और ये चीज़ें देगा, यानी कॉस्ट प्राइस से 20% ऊपर मार्क प्राइस है और 10% डिस्काउंट देकर आर्टिकल्स को बेचा जाता है, तब आपसे पूछेगा कि यहाँ पे प्रॉफिट कितने परसेंट का होता है, यही चीज़ें पूछेगा। आप समझिए जब प्रॉफिट पूछा जाएगा या फिर लॉस पूछा जाएगा, ये टर्म पूछा जाएगा, तो आपको रिलेशन किस में निकालना है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हम तभी बता पाएंगे जब हमें कॉस्ट प्राइस पता होगा और सेलिंग प्राइस पता होगा, यानी यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहाँ पे जब पूछा जाएगा तो देखिएगा कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर बढ़ाकर मार्क प्राइस बनाया जाता है, यानी यहाँ पे आपको क्या पता करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का वैल्यू पता करना पड़ेगा कि कॉस्ट प्राइस कितना है और मार्क प्राइस कितना है, यानी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में रिलेशन आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में रिलेशन आपको निकालना पड़ेगा। बस यही दो तरीका से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो अभी हमें क्या करना है,
इस तरीका को हम अभी नहीं यूज करेंगे। हम पहले क्या करते हैं, इस पे दो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ये जब समझ में आ जाएगा हमें, तब क्या करेंगे, इस पे हम आ जाएंगे, तब इस पे हम क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। जब ये सारे चीज़ें कंप्लीट हो जाएगा, तब हम यहाँ पे इस तरह से करेंगे। जो आपने इस तरह का भी क्वेश्चन पढ़ा होगा, वो भी डिस्काउंट का ही पार्ट है। तीन वस्तु खरीदने पर तीन वस्तु फ्री में मिल जाता है, वो भी इसके बाद हमारा वो चीज़ें शुरू हो जाएगा, लेकिन इसी का पार्ट है, वो अलग है, कुछ नहीं है उसमें। यही कॉन्सेप्ट सब हमारा वहाँ पे भी यूज होगा, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा वहाँ पे यूज होने लग जाता है। तो चलिए, ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर ये चीज़ें समझ में आ गया, तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ों को हटा देते हैं। अब इस पर क्वेश्चन कैसे करना है, इस चीज़ों को मैं एक बार बता रहा हूँ। तो जिनको भी ये चीज़ें नोट करना है, नोट कर लीजिए, फिर मैं क्या करूँगा, इस चीज़ों को एक बार मिटाऊँगा। आइए देखिए, पहले हम ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, जिसमें करेगा क्या कि क्वेश्चन बोलेगा कॉस्ट प्राइस से 20% बढ़ाकर मार्क प्राइस दिया गया, बनाया गया, और 10% के डिस्काउंट देकर आर्टिकल्स को सेल कर दिया गया। तो आप प्रॉफिट बताइए कितना का होगा, या फिर लॉस बताइए कितने परसेंट का होगा। ये चीज़ें क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा। अब समझिए यहाँ पे कि देखिए, कोई एक वैल्यू था 100, समझिएगा इसको ध्यान से, ये चीज़ें हम कर रखे हैं पहले, बस टर्म अलग था करने का, तरीका अलग था करने का, प्रोसेस यही था हमारा। समझिएगा कहाँ पे मैं याद दिला दूंगा परसेंटेज का बात आपको। यहाँ पे कोई एक नंबर है जो पहले 20% से इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज करने के बाद फिर वो 10% से डिक्रीज कर जा रहा है। तो बताइए, नंबर शुरुआत में इतना था, तो अब कितना बन जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन हम कर रखे हैं कि नहीं कर रखे हैं। जब हम परसेंटेज पर रहे थे, तो नंबर पर भी इस तरह का क्वेश्चन किए थे हमने। इस पे क्वेश्चन किया था पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन, कि किसी शहर का पॉपुलेशन इतना है, पहले साल 20% से इंक्रीज करता है, फिर दूसरे साल 10% से डिक्रीज कर जाता है। तो बताइए, शुरुआत में अगर इतना पॉपुलेशन था, तो बाद में कितना बन जाएगा। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता था कि भाई पॉपुलेशन में कितने परसेंट का चेंजिंग आएगा, इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। इस तरह का क्वेश्चन हम कर रखें। देखिए, उसी तरह के पैटर्न पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। बस यहाँ पे क्या है कि शुरुआत में इस चीज़ों को कॉस्ट प्राइस बोल दिया, जो हमारा शुरुआत में पॉपुलेशन होता था उस चीज़ों को सीपी बोल दिया। फिर एक बार बढ़ने के बाद ये एमपी बन जाता है, फिर घटने के बाद ये क्या बन जाता है, एसपी बन जाता है, सेलिंग प्राइस बन जाता है। वहाँ पे हमारा पहले साल इतना बढ़ा, दूसरे साल इतना बढ़ा, तीसरे साल इतना बढ़ा, चौथे साल इतना बढ़ा। तो बताइए कि शुरुआत में इतना था, तो बाद में कितना हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे टर्म अलग अलग चीज़ें, कुछ नया यूज हो गया, प्रोसेस हमारा वही होगा। तो आप समझिए, उस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते थे। देखिएगा, अगर शुरुआत में 20% बढ़ाया गया, तो 20% का, मैं ये चीज़ें डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फ्रैक्शन वैल्यू सब, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो आप कहेंगे 1/5। यानी शुरुआत में पॉपुलेशन 5 यूनिट था, ये सॉरी, शुरुआत में अगर सीपी 5 यूनिट था, 20% से बढ़ाया गया, तो 5 का 20% कितना, 1, ऐसे ही बनता है। तो 1 से बढ़ाएगा तो कितना बन जाएगा, 6। मैंने इस तरह से लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 5 का 20% निकाला जाए तो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे शुरुआत में कॉस्ट प्राइस था 5 यूनिट, बढ़ाया गया 20% से कितना बन जाएगा, 6 यूनिट बन जाएगा। फिर बोलता है जो मार्क प्राइस बना, उसको 10% से डिक्रीज कर दिया जाता है। तो देखिए, एक बार 20% से बढ़ा, और जो बढ़ने वाला वैल्यू, वो फिर से अब क्या हो गया, 10% से डिक्रीज कर जाएगा। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो आप कहेंगे 1/10। यानी शुरुआत में अगर 10 यूनिट रहा होगा, तो 10% से डिक्रीज कर गया, यानी 1 यूनिट से डिक्रीज कर गया, कितना बन जाएगा, 9 यूनिट बन जाएगा। तो देखिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते थे, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते थे, ऐसा ही कुछ करते थे, बन जाएगा। तो वहाँ पे जो हम परसेंटेज में क्वेश्चन को करते थे, तो ये बन जाता था शुरुआत का पॉपुलेशन, और ये बन जाता था बढ़ने या घटने के बाद का पॉपुलेशन, ऐसा ही बनता था। यहाँ पे ये क्या बनता है, ये बन जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस शुरुआत का, और जो फाइनली निकल के आता है वो क्या बनता है, आपका सेलिंग प्राइस। समझिएगा, यहाँ पे शुरुआत में कॉस्ट प्राइस 50 यूनिट था, तो कितने यूनिट का इंक्रीज हो गया, तो आप कहेंगे 4 यूनिट का इंक्रीज हो गया। 4 यूनिट का इंक्रीज हुआ है किस पे, 50 पे। तो परसेंटेज में अगर चेंज करना है, तो 100 के रिस्पेक्ट में इंक्रीज करवाते हैं, तो 50 पे 4 का इंक्रीज, तो 100 पे कितने का, 8% का इंक्रीज हो जाएगा। अगर परसेंटेज में निकालना है, तो ऐसा ही तो निकालते हैं, 4 ऊपर 50 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे काटेंगे ये 2 टाइम्स पे, 4 × 2 = 8%। यानी जो भी हमारा यहाँ पे प्रॉफिट होता है, कॉस्ट प्राइस इतना था, सेलिंग प्राइस इतना बन गया,
कितने का इंक्रीज, मतलब कितने का प्रॉफिट हुआ, 4 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, किस पे, 50 पे। तो परसेंटेज में चेंज करेंगे कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो ये प्रोसेस होता है हमारा 8% का प्रॉफिट यहाँ पे भी निकल गया। और यहाँ से भी हमने शुरुआत में ऐसे ही निकाला था कि 8% का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। यानी जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस तरह का क्वेश्चन, तो हमें क्या करना है, इसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो हम परसेंटेज में शुरुआत में पढ़ चुके हैं। तो आप करिए क्या, यही था इसका बेसिक चीज़ें, इस मेथड से क्वेश्चन को करना। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ और आपसे ये चीज़ें मैं कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा या कितने परसेंट का लॉस होगा, ये चीज़ें मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पे। तो आप करिए क्या, जिसे ये नोट करना है एक बार नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद करना क्या है कि वो एक क्वेश्चन दिख रहा है उसको एक बार आप पढ़कर समझकर बनाइए। देखिए, समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक शॉपकीपर है जो कॉस्ट प्राइस से 20% बढ़ाकर मार्क प्राइस बनाता है और 25% का डिस्काउंट देकर, जो भी मार्क प्राइस बनता है उस पर 25% का डिस्काउंट देकर उस आर्टिकल्स को सेल कर देता है। तो बोल रहा है कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ उस शॉपकीपर का या कितने परसेंट का लॉस हुआ, ये चीज़ें आपसे पूछ रहे थे। एक बात यहाँ पर समझिएगा, जैसे परसेंटेज प्रॉफिट हम निकालते हैं या परसेंटेज लॉस निकालते हैं तो हम किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, कि कॉस्ट प्राइस पे ही तो प्रॉफिट या फिर लॉस होता है। उसी तरीके से जब भी हम डिस्काउंट करते हैं तो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, जो मार्क प्राइस होता है उसी पे तो डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी डिस्काउंट होगा इसका मतलब मार्क प्राइस जो भी होगा उसी पे डिस्काउंट होता है। इस चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना है आपको। देखिए, मैं यहाँ पे एक बार डिटेल्स लिख रहा हूँ, बाकी ये सब चीज़ें लिखना नहीं है। कॉस्ट प्राइस है, फिर हमारा मार्क प्राइस बनता है और यहाँ से फिर आगे हमारा क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस बनता है। तो बोलता है कॉस्ट प्राइस से कितना बढ़ाकर मार्क प्राइस बनाया जाता है इस क्वेश्चन में, तो बोला जा रहा है 20% बढ़ाकर मार्क प्राइस बनाया जाता है और जो भी मार्क प्राइस बना उस पर 25% का क्या किया जाता है, डिस्काउंट देकर सेलिंग प्राइस बनाया जाता है। तो बोला जा रहा है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा या फिर कितने परसेंट का लॉस होगा, ये चीज़ आप बताइए। तो देखिए, पहले जो भी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस रहा होगा उसे 20% से इंक्रीज करवाया गया, फिर जो भी इंक्रीज करने के बाद जो भी यहाँ पे वैल्यू बना उसे फिर से 25% से डिक्रीज कर दिया गया। तो हमें करना उसी प्रोसेस है, 20% से इंक्रीज किया, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी शुरुआत में अगर 5 यूनिट रहा होगा और ये 20% से इंक्रीज किया कितना बन जाएगा, 6 यूनिट बन जाएगा। फिर आगे क्या करना है, 25% से डिक्रीज कर देना है। तो 25% का मतलब 1/4, शुरुआत में अगर 4 यूनिट रहा होगा, डिक्रीज हुआ 1 यूनिट का, कितना बन जाएगा, 3 यूनिट, ऐसा ही कुछ बनेगा। तो इसे अगर सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ पे हम क्या करते थे कि कुछ कटने वाला होगा यहाँ पे तो हम काट भी देते हैं, नहीं तो वैसे भी सॉल्व करना है तो वैसे भी हमारा आंसर एक वही चीज़ें आता है। तो देखिए, यहाँ पे कटने वाला था तो मैंने 2 से काट दिया, यहाँ पे 3 बन गया। तो यहाँ पे बन गया आपका, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 10, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 9। यहाँ पे ये चीज़ें क्या बन जाता है भाई, शुरुआत वाला चीज़ कॉस्ट प्राइस, ये चीज़ें क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस। यानी कॉस्ट प्राइस है 10 यूनिट, सेलिंग प्राइस बन गया 9 यूनिट, यानी यहाँ पे प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो आप कहेंगे 1 यूनिट का लॉस हो गया। तो 1 यूनिट का लॉस हुआ किस पे, 10 पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 पे देखेंगे कि कितने का लॉस हुआ, तो 10 पे 1 यूनिट का लॉस, तो 100 पे कितने का लॉस हो जाएगा, 10% का। समझिएगा, परसेंटेज में देखेंगे कितना परसेंट का लॉस हुआ तो हम यही तो निकालेंगे, ये 1 इस 10 का कितना परसेंट है, तो सीधा सीधा दिख रहा है इस 10 का 1 10%, यानी 10% का लॉस हुआ। निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, 1 ऊपर 10 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक कटेगा, यहाँ पे 10% क्या हो गया, लॉस हो गया। यानी उस शॉपकीपर को यहाँ पे क्या हो रहा है, बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, 10% का लॉस हो जा रहा है। देखिए, ये चीज़ जो मैं लिखा हूँ, ये चीज़ आपको नहीं लिखना है, ये चीज़ें मैं समझाने के लिए लिखा था। आपको क्वेश्चन यहाँ से करना है, इसी तरीके से ख़त्म कर देना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगर ये चीज़ें समझ में आ गया तो एक फिर से इसी तरह का क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो चीज़ आपको बनाना है, उसमें चेंजिंग क्या कर रहा हूँ उस चीज़ों को समझिएगा। देखिए, वहाँ पे उस क्वेश्चन में कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा या कितने परसेंट का लॉस होगा, ये चीज़ आपसे नहीं पूछा जा रहा है वहाँ पे। जैसे यहाँ पे पूछा क्या जाएगा, इस चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ। जैसे ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस नहीं पूछ रहा है। आपको अगर ऐसा बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि भाई कॉस्ट प्राइस जो है ना 200 है, 200 रुपीज़,
यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस कितना है 10 यूनिट, तो इसका मतलब ये 10 यूनिट 200 रुपीज के बराबर हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा सेलिंग प्राइस, तो 200 10 यूनिट के बराबर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। तो सेलिंग प्राइस बताना है, इसका मतलब 9 यूनिट का वैल्यू बताना है, यानी 9 यूनिट की तो सेलिंग प्राइस है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 रुपीज, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना 180 रुपीज आपका बन जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, यानी ये चीज़ें देकर ये चीज़ें पूछ सकता है, या फिर ये चीज़ें देकर ये चीज़ें पूछ सकता है, या अभी हमने किया परसेंटेज प्रॉफिट या फिर परसेंटेज लॉस, कुछ भी इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप करिए क्या कि वो है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको पढ़कर बनाइए आप लोग। आइए समझिए यहां पे क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक शॉपकीपर है जो अपने आर्टिकल्स का जितना भी कॉस्ट प्राइस है उससे 25% बढ़ाकर मार्क प्राइस बनाया जाता है। अब इसके बाद जो भी मार्क प्राइस बना उस पर 12.5% का डिस्काउंट देकर आर्टिकल्स को सेल कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस का वैल्यू दिया हुआ है 875 रुपीज, तो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू आपको निकालना है, यानी यूनिट में हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालना है और उस हिसाब से हम कंपेयर कर देंगे। उसी तरीके से सेम प्रोसेस होगा, बस यहाँ पे मैं ऊपर वाली चीज़ बेसिक चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ समझिए 25% बढ़ाकर क्या किया जाता है, मार्क प्राइस बनाया जाता है कॉस्ट प्राइस से ऊपर। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/4, यानी शुरुआत में कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट रहा होगा तो बढ़ाया गया तो कितना बन जाएगा 5 यूनिट बन जाएगा। 1/4 यानी 4 यूनिट शुरुआत में रहा होगा, 25% से बढ़ा तो कितना बन जाएगा 5 यूनिट, यानी 1 यूनिट से इंक्रीज हो जाएगा। फिर बोल रहा है 12.5% से मार्क प्राइस को डिक्रीज किया जाता है, यानी डिस्काउंट दिया जाता है। तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/8, यानी 8 था और 12.5% इसका कितना 1 यूनिट, 1 यूनिट से डिक्रीज करेगा तो कितना बन जाएगा 7 यूनिट बन जाएगा। ऐसा ही है कुछ। तो देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं और इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं, ऐसा ही कुछ लिखते हैं। ये आपका बनता है कॉस्ट प्राइस, ये बनता है आपका सेलिंग प्राइस। देखिए सेलिंग प्राइस हमने निकाला है वो यूनिट में 35 यूनिट है, क्वेश्चन कितना बोल रहा है 875 रुपीज है, तो 35 यूनिट का वैल्यू कितना 875 रुपीज है, ऐसा ही कुछ दिया हुआ है। तो आपसे निकालना कितना है, आपको कितना बोल रहा है निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस, यानी 32 यूनिट का वैल्यू आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, या तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल दे और फिर 32 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दे, नहीं तो ऐसे भी तो हम करते थे 875 यूनिट का वैल्यू है तो 35 यूनिट नीचे, और निकालना कितना आपको 32 यूनिट हमें निकालना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 800 रुपीज, यानी जो कॉस्ट प्राइस बनेगा आर्टिकल्स का वो कितना बनेगा 800 रुपीज कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। हमें बस यही चीज़ें यहाँ पे पूछा था। अगर हमसे ये पूछ देता कि कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है या कितने परसेंट का लॉस होता है, तो क्या करते, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कितने का 3 यूनिट का, किस पे निकालते 32 यूनिट पे, 3 ऊपर 32 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते, यही निकल जाता कि इतने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हमें ये चीज़ें दिया था और ये चीज़ें आपसे पूछ लिया था, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो आप करिए क्या, इसको एक बार नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद मैं जो एक और टाइप मैंने बताया था कि इस पे एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है, वो टाइप आपको बताता हूँ। चलिए इस टाइप पे हमने एक दो क्वेश्चन कर लिया है, अब हम इसी में एक दूसरा टाइप जो हमने बताया था शुरुआत में कॉन्सेप्ट बताते समय कि दूसरे टाइप पे भी क्वेश्चन आता है, उस टाइप को एक बार अच्छे से समझते हैं। देखिए क्या होता था कि ये बनता था कॉस्ट प्राइस, इसके बाद बनता था मार्क प्राइस, और इसके बाद क्या बनता था सेलिंग प्राइस, इस तरह से कुछ वैल्यू बनता था। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें ये चीज़ें दे देता था, ये चीज़ें दे देता था, और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में रिलेशन आपसे पूछ लेता था, यानी कितना परसेंट का प्रॉफिट या फिर कितना परसेंट का लॉस होता है, ये चीज़ें पूछ लेता था। लेकिन अब क्या क्वेश्चन करेगा, ये चीज़ें दे देगा कि कितने परसेंट के डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है, वो चीज़ें दे देगा, और प्रॉफिट और ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में जो रिलेशन होता है वो चीज़ें भी दे देगा, यानी कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ या कितने परसेंट का लॉस होगा, ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे दे देगा। जैसा कि हमने शुरुआत में एग्जाम्पल लेकर आपको बताया था, कैसा बताया था कि भाई यहाँ पे समझिएगा, उसी एग्जाम्पल को मैं रिपीट कर रहा हूँ, 10% का डिस्काउंट देता था और 8% का क्या हो जाता था इसे प्रॉफिट हो जाता था। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछता था कि ये चीज़ें पूछ लेगा कि कॉस्ट प्राइस से कितना बढ़ाकर मार्क प्राइस बनाया जाता है, यानी अब जो रिलेशन निकालना है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में हमें रिलेशन निकालना है।
तो एक बात अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा तो ये चीज़ समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा समझ में। देखिए यहाँ पे मार्क प्राइस जो भी होगा, जो भी वैल्यू होगा मार्क प्राइस, उस पे 10% का डिस्काउंट देकर क्या बेचा जाता है आर्टिकल्स का। यानी मार्क प्राइस का 10% डिस्काउंट देने का मतलब है मार्क प्राइस का 90% जो भी वैल्यू होगा उस पे आर्टिकल्स को सेल कर दिया जाता है। समझिएगा यहाँ पे, जो भी यहाँ पे मार्क प्राइस होगा अपने आप में 100% होगा, उसके 10% को छोड़ दिया जाता है और बाकी जो बचता है मार्क प्राइस का जो 90% उस पे आर्टिकल्स को सेल कर दिया जाता है। समझिएगा, यानी मार्क प्राइस का जो 90% का वैल्यू है वो क्या बन जाता है आपका, सेलिंग प्राइस बन जाता है। यही चीज़ है, फिर आप समझिए। यहाँ पे बोलता है ये भी क्वेश्चन कि 8% का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है सेल करने पे। तो इसका मतलब जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उस पे 8% एक्स्ट्रा करके आर्टिकल्स को सेल किया जाता है, तभी तो 8% का प्रॉफिट होता है। यानी अगर कॉस्ट प्राइस अपने आप में जो भी वैल्यू होगा 100% होगा और 8% प्रॉफिट लेकर सेल किया जाता है, यानी कॉस्ट प्राइस का जो 108% का वैल्यू होगा उसी पे तो आर्टिकल्स को सेल किया जाता है। तो समझिएगा, कॉस्ट प्राइस का 108% का जो भी वैल्यू होगा वो क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस बन जाता है। बन जाता है ये चीज़ें, तो समझिएगा सेलिंग प्राइस ये भी है और सेलिंग प्राइस ये भी है उसी आर्टिकल्स का। तो इसका मतलब ये दोनों तो बराबर होगा, इसका मतलब ये भी हो गया ये वैल्यू और ये वैल्यू भी आपस में बराबर होगा, इक्वल होगा। तो हम वही चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं। एक तरफ ये हो गया कि जो मार्क प्राइस का 90% का जो वैल्यू है ये भी सेलिंग प्राइस है, और एक तरफ बनता है जो कॉस्ट प्राइस का जो 108% का वैल्यू है ये भी सेलिंग प्राइस है। तो दोनों ही सेलिंग प्राइस है, तो हमने इक्वल कर दिया यहाँ पे, क्योंकि दोनों इक्वल ही होगा। अब इसी चीज़ों को सॉल्व करना है, समझिएगा। तो ये परसेंटेज वैल्यू से ये परसेंटेज वैल्यू आपका कट जाएगा। यहाँ पे हम काटते हैं तो देखिएगा यहाँ पे ये 18,590 और 18,600 कितना बन जाएगा, 108, ऐसा ही कुछ बनेगा। तो मार्क प्राइस को हमने यहीं पर रहने दिया, ये सीपी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इधर किया तो हमने डिवीजन में आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, इधर 6 रह ही जाएगा और ये 5 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में 5 बन जाएगा, ऐसा ही कुछ बन के आ जाएगा। तो समझिए मार्क प्राइस यहाँ पे कितना बन गया, 6 यूनिट, कॉस्ट प्राइस कितना बन गया, 5 यूनिट। देखिए दोनों में रिलेशन हमने निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया। अब मैं बोलूँ कि मार्क प्राइस अगर 5 यूनिट है, ये सॉरी कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट है, मार्क प्राइस 6 यूनिट है, तो कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है मार्क प्राइस, तो आप कहेंगे 1 यूनिट अधिक है, 1 यूनिट अधिक है। परसेंटेज में अगर बोला जाए तो अगर ये 5 यूनिट है, समझिएगा यहाँ पे, अगर ये 5 यूनिट है ये 6 यूनिट है तो 1 यूनिट ही तो बढ़ाकर लिखा गया है, 1 यूनिट ही तो बढ़ाकर लिखा गया है। तो परसेंटेज में कितना परसेंट बढ़ाया गया है, तो 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है किस पे, इस 5 यूनिट पे ही तो हुआ है। यानी ये 1 इस 5 का कितना परसेंट है वो चीज़ें हमें निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, 1 ऊपर 5 नीचे और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो गया ये 20% आ गया कि नहीं आ गया। यानी मार्क प्राइस से 20% बढ़ाकर, ये कॉस्ट प्राइस से 20% बढ़ाकर हमने क्या निकाल, ये बनाया था मार्क प्राइस बनाया था। यही शुरुआत में हमने एग्जांपल दिया था, सबसे शुरुआत में आप देखेंगे यहाँ पे तो इसी तरह का हमने यहाँ पे 20 लिखा था, यहाँ पे 10 लिखा था और यहाँ पे 8 लिखा था। तो ये चीज़ अननोन कर दिया, ये और ये चीज़ें दिया था, ये चीज़ हमें निकालना था। तो कैसे हमें निकालना था, इस तरीके से हमें निकालना था कि भाई जो भी मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब जो मार्क प्राइस का 90% का जो वैल्यू बना वो हमारा बन गया सेलिंग प्राइस। अगर 8% का प्रॉफिट होता है तो कॉस्ट प्राइस का जो 108% का जो वैल्यू बनेगा वो भी बन जाएगा सेलिंग प्राइस। तो हमने इस दोनों को इक्वल कर दिया और यहाँ से ये वैल्यू हमने निकाल लिया। अब देखिए इतना भी हमें करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस चीज़ों को एक बार समझिए अच्छे से। एक तरफ लिखेंगे मार्क प्राइस, देखिए डायरेक्ट मैं करने का सिखा रहा हूँ, और एक तरफ लिखेंगे हम क्या, सेलिंग प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस नहीं कॉस्ट प्राइस, के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। तो एक तरफ मार्क प्राइस और दूसरे तरफ कॉस्ट प्राइस, ऐसा ही होगा। अब देखिए यहाँ पे जितना परसेंट डिस्काउंट देकर बेचा जाता है, कितना 10% का डिस्काउंट देकर बेचा गया था, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90% जो वैल्यू बनेगा वो कॉस्ट प्राइस के सामने लिखेंगे। समझिएगा यहाँ पे मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट देकर बेचा गया था, यानी मार्क प्राइस के 90% पे बेचा गया था, वो हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस के सामने। और जो 8% का प्रॉफिट होता है, जो 100 यानी कॉस्ट प्राइस का 108% पे बेचा जाता था, कॉस्ट प्राइस का जो भी 108% जो बनता था सेलिंग प्राइस, वो हम मार्क प्राइस के सामने लिखेंगे। इसका हम रेशियो बनाएंगे,
ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 5। देखिए वही रेशियो बन गया 6:5। डायरेक्ट हमें करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। तो कॉस्ट प्राइस है 5 यूनिट सेलिंग, ये मार्क प्राइस है 6 यूनिट, यानी एक यूनिट 1 यूनिट इंक्रीज करके मार्क प्राइस बनाया जाता है। तो 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है किस पे? कॉस्ट प्राइस पे, यानी शुरुआत में जितना भी था कॉस्ट प्राइस उसी पे तो 1 यूनिट का इंक्रीज किया गया। तो 1 का इंक्रीज हुआ किस पे? 5 पे। तो 1 उस 5 का कितना परसेंट है? तो आप सीधा कहेंगे यहाँ से 20% है। तो हमें जो एग्जाम में क्वेश्चन करना है वो इस तरीके से करना है। ये सब चीज़ें एक बेसिक तरीका था समझाने का। जो चीज़ें मार्क प्राइस वाला होगा, यानी 10% के डिस्काउंट पे बेचा जाता है, यानी मार्क प्राइस के 90% पे बेचा जाता है, वो कॉस्ट प्राइस के सामने लिखेंगे। और जो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू बनेगा 108%, यानी 8% प्रॉफिट पे बेचा जाता है, तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% रहा होगा, तो बेचा जाएगा 8% प्रॉफिट लेके, यानी 108% उसका सेलिंग प्राइस बनेगा कॉस्ट प्राइस का। तो वो हम मार्क प्राइस के सामने लिख देंगे, यानी मार्क प्राइस वाला वैल्यू कॉस्ट प्राइस के सामने और कॉस्ट प्राइस वाला वैल्यू मार्क प्राइस के सामने। और इसी को सॉल्व करेंगे, यहीं से हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी आता कैसे है, बेसिक तरीका क्या है उसको, ये तरीका था, हमें क्वेश्चन उस हिसाब से करना है। तो ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज़ें समझ में आ गया तो जिनको नोट करना है वो नोट कर लीजिए। इसके बाद वो क्वेश्चन दिख रहा है उसको एक बार पढ़कर बनाइए आप लोग। आइए समझिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक शॉपकीपर है जो 10% का डिस्काउंट देने के बाद 20% का प्रॉफिट चाहता है। तो बोल रहा है कि मार्क प्राइस से कितना ऊपर, कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ऊपर मार्क प्राइस बनाया जाए, ये चीज़ें क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। देखिए मैं पहला क्वेश्चन इसलिए मैं पूरी डिटेल से कर रहा हूँ, सारे तरीके मैं इस पर समझाने के लिए कर रहा हूँ। देखिएगा ये कॉस्ट प्राइस है, लेकिन आप लोग को इतना नहीं करना है एग्जाम में, ये मार्क प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, ये चीज़ें होता है। कितना परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है? 10% का। तो डिस्काउंट किस पे मिलता है? मार्क प्राइस पे। तो 10% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल गया। प्रॉफिट जो हो रहा है 20% का, तो प्रॉफिट किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में जो रिलेशन निकलता है वही तो प्रॉफिट या लॉस होता है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है कितना? 20% का वो प्रॉफिट चाहता है, यानी ये और ये वैल्यू दिया हुआ है और आपसे बोल रहा है कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट बढ़ाकर मार्क प्राइस बनाया जाएगा, ये चीज़ें आपसे पूछ लिया है। तो देखिए मैं सारे तरीके से कर रहा हूँ, ये था एक बेसिक समझाने का तरीका। फिर समझिए मार्क प्राइस का 10% डिस्काउंट देने के बाद बेच रहा है आर्टिकल्स को, यानी मार्क प्राइस का जो 90% का वैल्यू बनेगा वही क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस। तो जो भी मार्क प्राइस का 90% का वैल्यू बनेगा वो बन जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, यही बन गया। एक सेलिंग प्राइस और बनेगा, यहाँ पर अगर 20% का प्रॉफिट चाहता है तो कॉस्ट प्राइस का 120% का जो वैल्यू होगा वो भी तो सेलिंग प्राइस होगा। तो कॉस्ट प्राइस का 120% का जो वैल्यू होगा वो भी सेलिंग प्राइस बना। तो ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, तो हम क्या कर रहे हैं? इक्वल कर दे रहे हैं। अब इसे काटना शुरू कर देते हैं, तो ये परसेंटेज साइन से ये परसेंटेज साइन कट जाएगा। 15 से काटेंगे तो 15 × 6 = 90, 15 × 8 = 120, ऐसा ही कुछ कटेगा। तो मार्क प्राइस हमने यहीं पे रहने दिया, इस कॉस्ट प्राइस को हम यहाँ पे लेकर आ गए, 8 को हमने यहीं पे रहने दिया। अच्छा ये एक बार और कटेगा, ये कट जाएगा आपका 3 और ये कट जाएगा 4, 4 को हमने यहीं पे रहने दिया और ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 3 यूनिट बन जाएगा, ऐसा ही कुछ होगा। तो देखिए मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में हमने रिलेशन निकाल दिया कि मार्क ये कॉस्ट प्राइस अगर 3 यूनिट है तो मार्क प्राइस कितना है? 4 यूनिट है। तो जो भी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 3 यूनिट होगा और ये 4 यूनिट बना तो कितने का इंक्रीज हुआ? तो आप कहेंगे 1 यूनिट का इंक्रीज हुआ। 1 यूनिट का इंक्रीमेंट किस पे हुआ? 3 यूनिट पे। यानी हमें यही तो निकालना पड़ेगा ये 1 इस 3 का कितना परसेंट है। तो देखिए यहाँ पे 1 ऊपर 3 नीचे और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/3 कितना परसेंट होता है? तो आप कहेंगे 33.33% होता है। यानी कॉस्ट प्राइस से 33.33% बढ़ाकर क्या बनाया जाता है? मार्क प्राइस बना जाता है। दूसरा एक तरीका और है, इस चीज़ों को समझिए जिससे हमें आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है। हम क्या लिखते थे? इधर कॉस्ट प्राइस, इधर मार्क प्राइस, किधर भी लिख सकते हैं, इधर मार्क प्राइस इधर कॉस्ट प्राइस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब समझिए मार्क प्राइस पे कितना परसेंट डिस्काउंट देकर बेचा जाता है? तो 10%, यानी मार्क प्राइस का जो 90% का वैल्यू हो उसी पे आर्टिकल्स को सेल किया जाता है यहाँ पे। तो वो 90% जो मार्क प्राइस वाला वैल्यू है किसके सामने लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस के सामने। और जो कॉस्ट प्राइस वाला वैल्यू है यानी 20% अगर प्रॉफिट लेकर बेचा जाता है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस के 120% पे बेचा जाता है। तो 120% किसके सामने लिखेंगे? मार्क प्राइस के सामने 120, यही बनेगा।
एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 4, यानी जो रेशियो बना कितना का 3:4। देखिए कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 3 यूनिट, मार्क प्राइस कितना आ गया 4 यूनिट। वही चीज़ें यहाँ पे था, मार्क प्राइस 4 यूनिट, कॉस्ट प्राइस 3 यूनिट। जब हमने देखा यहाँ पे कि कितना अधिक बढ़ाकर मार्क प्राइस बनाया गया है 1 यूनिट, तो 1 किस पे बढ़ाया गया 3 पे। तो यही चीज़ें हमें निकालना है कि 1 इस 3 का कितना परसेंट है, यहाँ से आगे प्रोसेस कर देना है। तो क्वेश्चन या तो आप इस तरीके से बनाइए या फिर इस तरीके से बनाइए, दोनों तरीका हमारा सही है, लेकिन इस तरीके से बनाइए अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि डायरेक्ट बन जाता है हमारा क्वेश्चन। ये तरीका हमें आगे भी ज़रूरत पड़ेगा जब हम वहाँ पे ऐसा वाला क्वेश्चन करेंगे कि 3 आर्टिकल्स बेचने के बाद 3 आर्टिकल्स खरीदने पे 3 आर्टिकल्स फ्री में मिलता है, तो उस तरह के क्वेश्चन में भी यहाँ पे वही चीज़ें ज़रूरत पड़ेगा। तो इसी मेथड को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। अब जो मैं आगे क्वेश्चन करवाऊँगा तो ये सब चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊँगा, मैं आपको डायरेक्ट यहीं से करवा दूंगा क्वेश्चन। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद फिर से वो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको आप बनाइए। आइए समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक शॉपकीपर है जो अपने आर्टिकल्स को 20% डिस्काउंट पे बेचता है और 10% का उसे प्रॉफिट होता है, तो बोल रहा है कि आप ये बताइए कि कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट अधिक बढ़ाकर मार्क प्राइस बनाया गया था। तो कैसे करेंगे समझिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इस बार। अब ये कॉस्ट प्राइस और ये मार्क प्राइस हमने लिख दिया, कितना परसेंट का डिस्काउंट देकर बेचा जाता है, 20% का डिस्काउंट देकर बेचा जाता है, यानी जो मार्क प्राइस होगा उस पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके मतलब ये हुआ कि मार्क प्राइस का 80% पे बेचा जाता है आर्टिकल्स को, तो वो 80% किसके सामने लिखा जाएगा, कॉस्ट प्राइस के सामने। इसके बाद 10% का प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, यानी जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उस पे 10% का प्रॉफिट लेकर बेचा जाएगा, यानी जो कॉस्ट प्राइस का 110% जो वैल्यू बनेगा वही क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो 110 किसके सामने लिखा जाएगा, मार्क प्राइस के सामने लिखा जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, रेशियो हम यहाँ पे बना रहे हैं, इस चीज़ों का हम रेशियो बना लेते हैं। कॉस्ट प्राइस हमारा बनता है 8 यूनिट, मार्क प्राइस बनता है 11 यूनिट, यही चीज़ें बनता है। तो कितने यूनिट का इंक्रीज करके मार्क प्राइस बनाया गया था, तो आप कहेंगे 3 यूनिट बढ़ाकर मार्क प्राइस बनाया गया है। तो परसेंटेज में कितने परसेंट इंक्रीज किया गया, तो देखिए यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ है, जो बढ़ाकर बढ़ाया गया 3 यूनिट, किस पे, 8 यूनिट पे, यानी हम यही तो निकालेंगे जो ये 3 यूनिट है जो बढ़ा है किस पे बढ़ा है, 8 यूनिट पे, यानी ये 3 यूनिट इस 8 का कितना परसेंट है। तो करने के लिए परसेंटेज में करने के लिए कैसे करते हैं, 3 ऊपर 8 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3/8 कितना होता है, 37 1/2%, यानी कॉस्ट प्राइस से 37 1/2% बढ़ाकर क्या बनाया गया है, मार्क प्राइस बनाया गया। यही आपका डायरेक्ट आंसर हो गया, बाकी आप उस मेथड से भी कर सकते हैं लेकिन हमें करना इसी मेथड से है। तो चलिए इसको एक बार आप नोट करिए। देखिए आज का क्लास हम क्या कर रहे हैं, यहीं पर रख रहे हैं, इससे आगे, इससे जो आगे क्वेश्चन बनेगा हम नेक्स्ट क्लास में उस चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। तो आप अभी करिए क्या कि अगला क्लास अगर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है तो जो चीज़ें मैं बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया हूँ उस चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है, क्योंकि आगे उस सब चीज़ों का और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। देखिए मैं बेसिक कॉन्सेप्ट एक एक पॉइंट क्लियर करके बताया हूँ कि कैसे हमें दोनों तरह के क्वेश्चन को करना है, तो वो चीज़ों को आप रिवीजन कीजिए अच्छे से। अगर वहाँ पे कुछ नहीं भी समझ में आता है तो आपको करना क्या है कि एक दो बार उस चीज़ों को रिपीट करके देखिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।